नमस्कार दोस्तों, टैगी का मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है एकांत। तो आज मैं आपको बताऊं कि आईट्यून से अपने आईफोन को कैसे फॉर्मेट करें। काफ़ी इजी है और ये काफ़ी सही भी रहता है। आईट्यून से ही अपना अपडेट करना चाहिए फ़ोन और फॉर्मेट जो भी है, क्योंकि जो भी इसमें बग्स होंगे, जो भी मतलब वायरस तो में भी आता ही नहीं है, अगर कभी आ भी जाता है तो फिर वो उससे क्या डिलीट, उससे सारा कुछ फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप फ़ोन से ही करते हो तो क्या कहते हैं, वो सब कुछ होता नहीं है, फॉर्मेट होता नहीं है फ़ोन, और वो वैसे ही जो चीज़ है उसमें से आप अपडेट करते हो तो वो अच्छी तरह होता नहीं है। और अपडेट तो हो जाता है, पर वही है जो आपको नए फ़ोन में फील आती है वो आएगी नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए ही आईट्यून से ही हमेशा अपडेट करें, लैपटॉप से कनेक्ट करके, या अगर वारंटी में है तो केयर में जाके चेक करवा लें। और ये केयर वाले भी खुद ही बोलते हैं कि आप फ़ोन से खुद ना करें, क्योंकि मैंने कई बार उन वहीं से करवाया तो वो खुद कहते हैं, जब भी मेरा आईफोन में कई बार होता है हैंग होने लग जाता है, तो वो ये बोलते हैं कि आप अपने फ़ोन से ही ना करें, आईट्यून से कनेक्ट करके अपना ये फ़ोन अपडेट करें और फॉर्मेट करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ कि कैसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके आईट्यून से आप अपना फ़ोन फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ही है, जो इसकी आईफोन की डाटा केबल है ये इसमें कनेक्ट करनी है। तो ये इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे खोलना है आईट्यून्स। तो आईट्यून खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो अभी जो नया अपडेट है वो 12.1.2 है, और मेरे फ़ोन में जो ओल्ड वाला है, तो इसको हम यह डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड एंड अपडेट दोनों कर देते हैं। तो ये देखिए, डाउनलोड और अपडेट कर देते हैं यहाँ से। तो उसके बाद ये यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, इधर पे जाके ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मोबाइल के साइड में ही फ़ोन बन रहा है। तो ये देखिए, तो इसमें यहाँ मेरा आईफोन 6 है, 64 GB, और ये सब दिख रहा है। iOS 12 अभी इसमें डला हुआ है, जो आया 12.1.2 है। तो अपडेट भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। iCloud, दिस कंप्यूटर, बैकअप लेना है नहीं लेना। तो मैं एक बार इसको रिस्टोर कर देता हूँ। तो इस पर रिस्टोर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है कि आईफोन मस्ट बी टर्न ऑफ योर बिफोर आईफोन हैज बी रिस्टोर। तो यहाँ पे मेरे को करना होगा जो मेरे फ़ोन में है फाइंड माई फ़ोन, तो उसको ऑफ़ करना होगा। तो उसमें वो जाके ऑफ़ कर देता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे, तो सेटिंग्स में जाके यहाँ मैं फाइंड फ़ोन कर लेता हूँ। तो ये रहा फाइंड माई फ़ोन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई क्लाउड, तो इसको ऑफ़ कर लेते हैं। ये रहा, तो इसको ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एक। तो ये मैंने पासवर्ड डाल लिया, यहाँ पे आ रहा है टर्निंग ऑफ। तो उसके बाद यहाँ करेंगे ओके। तो एक बार फिर से करेंगे रिस्टोर आईफोन। तो ये देखिए, ये शुरू हो चुका है, और यहाँ पे आ रहा है बैकअप लेना है नहीं लेना। तो यहाँ पे डोंट बैकअप कर देंगे हम यहाँ से, जो क्योंकि डोंट बैकअप इसलिए कर देंगे क्योंकि पूरा नया फ़ोन हो जाएगा। और रिस्टोर एंड अपडेट के बाद कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो जो भी है इसमें, ये जो इसमें अपडेट्स के बारे में लिखा है, ये इसमें अपडेट आया है। तो यहाँ जाके हम इसमें नेक्स्ट कर देंगे। तो ये देखिए, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ये हम एग्री कर देंगे यहाँ से। जब आप उसको एग्री कर दोगे तो उसके बाद ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोने पे ही, तो इसमें आप क्लिक करना। तो इसको क्लिक करोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कितनी डाउनलोड है। जो फाइल साइज है वो है 2.9 GB। जब उसके बाद ये सब हो जाए तो उसको फिनिश करने के बाद जब ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपडेट पर लग जाएगा। तो ये देखिए, ऑटोमेटिकली अपडेट पे लग गया। तो इसको होने देते हैं उसको। तो ये देखिए, फोन अपडेट हो चुका है। तो इसमें मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ,
उसके बाद इंडिया, उसके बाद इसको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद इसको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से कंटिन्यू, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद तो पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यूज एनी वे क्या देकर फिर से, तो ये हो गया पासवर्ड सेट। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट एज अ न्यू आईफोन, तो भाई नया बन गया फोन। यहाँ एप्पल आईडी डाल लेते हैं, तो यहाँ कुछ टाइम लगेगा, कुछ मिनट लगेगी, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आप कर लेना एग्री, तो उसके बाद फिर से कुछ टाइम दिखाएगा यहाँ पे कुछ मिनट के लिए, और इसमें आपको कंटिन्यू करना। कंटिन्यू के बाद फिर यहाँ पे करना है कंटिन्यू, तो उसके बाद करना, अभी तो इस पर डोंट यूज ही कर देंगे। तो यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन टाइम, तो इसके बाद भी कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे डोंट शेयर, तो चूज अ व्यू, तो अभी इसमें कर देते हैं स्टैंडर्ड ही करने रहते हैं। नेक्स्ट, तो वेलकम टू आईफोन, गेट स्टार्ट। तो ये देखिए पूरा सब कुछ फॉर्मेट हो चुका है इसमें से। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आप इस तरह से अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं आइटम्स से ज़रिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो नहीं हो रहा हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।